अब सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या काम करना है, LHS लेना। LHS ले लिया, LHS को लिखो। LHS में ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा क्या पोल में क्या है, बटे में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा की कोस थीटा प्लस का प्लस, और यहाँ पे ऊपर कौन है, कोस थीटा, और बटे में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा के बटे में क्या है, कोस थीटा, और कोस थीटा के बटे में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। तो ये पूरी की पूरी LHS है, ये पूरी की पूरी LHS ले ली, ठीक है। अब इस सवाल में एक बात ये है कि इसमें साइन थीटा कोस थीटा में नहीं बदलना, क्योंकि पूरा का पूरा सवाल साइन थीटा कोस थीटा में ही है, तो सवाल को साइन थीटा कोस थीटा में बदलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो नंबर 2 क्या था, कॉमन दिखे तो कॉमन लो, तो कॉमन कुछ है नहीं। नंबर 3 लघुतम दिखे तो लघुतम लो, तो लघुतम दिख रहा है, लघुतम कैसे लेंगे, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। इस ये लघुतम कैसे लेते हैं, ये वाला इससे गुणा, ये वाला इससे गुणा, और ये दोनों आपस में, तो ये भी 1 प्लस साइन थीटा और ये भी 1 प्लस साइन थीटा, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या जाएगा ऊपर, स्क्वायर आ जाएगा, दोनों एक जैसे है ना, तो एक जैसे हो तो क्या आता है, जैसे 2 2 से गुणा आ रहा है तो 2 की स्क्वायर नहीं होती, 4 4 से गुणा आता है तो 4 की स्क्वायर नहीं आती, 2 एक जैसे गुणा होते हैं तो क्या क्या आ जाता है, ऊपर स्क्वायर आ जाती है। तो ये देखो, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो ये कोस, ये इससे गुणा हो गया, अब कोस कोस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये इससे गुणा हुआ तो ऊपर स्क्वायर आ गया, कोस कोस से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले दोनों आपस में मतलब दोनों को पास पास ले करना, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ये स्क्वायर आपको पता ही होगी, स्क्वायर कैसे खोलते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ए का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह कौन है, ए, और बी की जगह कौन है, साइन थीटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 1 और बी की जगह साइन थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह कौन है, 1 और बी की जगह कौन है, साइन थीटा, ए की जगह कौन है, 1 और बी की जगह साइन थीटा, ए की जगह 1 लिख दिया, स्क्वायर की स्क्वायर प्लस बी की जगह कौन है, साइन थीटा, तो बी की जगह साइन थीटा लिख दिया, स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 2 का 2 ए की जगह 1 और बी की जगह साइन थीटा, तो इस फॉर्मूले से आया 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर क्या होती है, 1 की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा 1 गुणा साइन थीटा, तो 1 की स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर क्या है, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, 1 को 1 से गुणा किया 1, और साइन स्क्वायर थीटा, और 2 को 1 से गुणा किया 2, साइन थीटा का 1 की स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, 2 को 1 से गुणा किया 2, साइन थीटा का साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा की स्क्वायर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूं, लिख दो फिर यहां पे 1 प्लस साइन थीटा की स्क्वायर, ये रही 1 प्लस साइन थीटा की स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो 1 प्लस साइन थीटा की स्क्वायर की जगह ये लिखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, लिख दिया प्लस का प्लस कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये वापस है साफ कर देता हूं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ये आया था, कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कौन है, कोस थीटा 1 प्लस साइन। अब एक काम करते हैं, इस वाले को पास पास लिख दो,
इस वादे को पास पास एक का एक टू साइन थीटा का टू साइन थीटा और इन दोनों को पास में लिखो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। दो प्लस तीन प्लस पांच हो तो आप इसे ये नहीं लिख सकते दो प्लस पांच प्लस तीन, फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों को पास में लिख दिया, पास में किस किस को लिखना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कौन बता, कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, एक का एक प्लस को साइन थीटा, इसको थोड़ा पहले लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को साथ में लिख दिया। साथ में लिखने का कारण क्या था, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। तो ये एक का ये एक प्लस का प्लस टू साइन थीटा का टू साइन थीटा, अब तक तो आप जान ही गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, एक होता है। सर्वसम्मिका पढ़ी हमने, पढ़ी है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। एक का एक टू साइन थीटा का टू साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक बटा बटे में क्या है, कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा, कोस थीटा ब्रैकेट वन प्लस साइन। ठीक है, एक और एक कितना हो गया, दो प्लस दो साइन थीटा, एक और एक ये जुड़ के दो हो गए, ये दो साइन थीटा का दो साइन थीटा, और बटे में क्या है, कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा। कॉमन क्या आ रहा है, दो यहाँ पर भी है और दो यहाँ पर भी है, दो को कॉमन ले सकते हैं ना, दो यहाँ पर भी है दो यहाँ पर भी है, दो को कॉमन लो, दो को कॉमन, तो दो था उसी को हमने बाहर, यहाँ से दो कॉमन आ रहा है ना, दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन लेने, कॉमन मतलब जो दोनों साइड आ रहा है, दो यहाँ पर भी आ रहा है दो यहाँ पर भी आ रहा है, दो को कॉमन लो, तो दो को कॉमन लिया, यहाँ पर दो था वही हमने कॉमन ले लिया, मतलब दो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो दो में दो का भाग दिया एक, प्लस का प्लस, यहाँ से भी दो हट जाएगा क्योंकि दो को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से दो गया तो यहाँ पर दो ही था उसी को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक प्लस का प्लस, यहाँ से भी दो बाहर आ गया, यहाँ पर कौन बचा, साइन थीटा, दो को कॉमन ले लिया ना, दो को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा, एक प्लस का प्लस, यहाँ को यहाँ से दो कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन थीटा, और बटे में क्या है, कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा, तो वन प्लस साइन थीटा से वन प्लस साइन थीटा कैंसिल, दो बटे कोस थीटा। क्या मैं इस दो के गुणा में एक लगा सकता हूँ, दो के गुणा में एक लगा दिया तो दो का दो, और ये एक बटे कोस थीटा कौन होता है, फॉर्मूला पढ़ा है मैंने यहाँ से, थोड़ा मिटा दिया सवाल पढ़ा है इसलिए, एक बटे कोस थीटा कौन होता है, कोस किसका उल्टा होता है, कोस उल्टा होता है सेक का, तो एक बटे कोस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, सेक थीटा, ये आ गया आंसर आरएचएस। ठीक है, आज हम प्रश्न नंबर 10 करने वाले, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 समझने से पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, जो प्रश्न नंबर 10 है ना जो आगे आने वाला, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आया कैसे, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो सूत्र है ना, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इसी से ही आया है। कैसे आया है, लिख के देखो, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा, ए की जगह कौन है,
साइन गाचार की गाचार माइनस का माइनस, बी की जगह कौन है कोस, तो लिख के देखो ए की जगह है साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कौन है कोस स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का थीटा, ए की जगह कौन है साइन साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा माइनस बी की जगह कौन है कोस स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का थीटा। ठीक है, ए की जगह तो देखो यहाँ पे घात चार चार है, यहाँ पर घात दो दो आ गई, यहाँ पर भी घात दो दो आ गई। ठीक है, ए की जगह तो साइन था और बी की जगह कोस था, तो मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ए की जगह साइन लिख दिया, बी की जगह कोस, ए की जगह फिर से साइन माइनस का माइनस, बी की जगह कोस। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्या कि साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आगे वाले सवाल के लिए। अब अपन आगे वाला सवाल करते हैं, ये है हमारा सवाल नंबर 10। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 को करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, ये पूरी की पूरी LHS है, तो LHS लो, LHS क्या है साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा बट्टे कौन है, बट्टे में कौन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरी की पूरी LHS है ना, ये लाइन में मिटा देता हूँ। LHS ले ली, LHS में क्या था साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये मैंने LHS में लिख दिया। अब ऊपर देखो ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा, ये रहा साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह अपन फॉर्मूला लिख देंगे, साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा की जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे, लगाओ साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा का मान क्या होता है, ये वाला, ये लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में कौन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। LHS लिया, ठीक है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा का ये फॉर्मूला आता है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, कट हो गए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कट हो गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको बार बार बता रहा हूं आपको मैं ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्वसमिका है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया एक, ये आ गई अपनी आरत, सवाल खत्म। ठीक है, अब अपने सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने फॉर्मूले वापस लिख दिए हैं क्योंकि ये फिर से काम आने वाले हैं, अब बार बार मैं लिख रहा हूं तो आपको याद भी हो रहा होगा साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS लो, LHS, LHS लिए, LHS में क्या लिखा हुआ है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, ये पूरी की पूरी LHS है, LHS ले लिया अपने, LHS में क्या लिखा हुआ है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, स्टेप नंबर दो क्या होता है सबको साइन कोस में बदलो, तो कोट थीटा को कैसे बदलेंगे, कोट थीटा का फॉर्मूला ये रहा, कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये रहा कोट थीटा का फॉर्मूला, ये वाला कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो इस कोट थीटा की जगह क्या लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा की जगह लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला ये जस्ट इसके ऊपर वाला, ये रहा टेन थीटा का फॉर्मूला। नंबर एक LHS लो, LHS ले ली, और नंबर दो क्या था, नंबर दो ये था कि सबको साइन कोस में बदलो, तो ये तो कोट है, इसको बदल दिया कोट थीटा का फॉर्मूला लगा दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा,
माइनस का माइनस, टेन का फॉर्मूला ये रहा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। नंबर तीन, कॉमन दिखे तो कॉमन लो, कॉमन कुछ है नहीं। नंबर चार, लघुतम दिखे तो लघुतम लो। लघुतम कैसे लेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, और इन दोनों को आपस में, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, और इन दोनों को आपस में, ठीक है। तो कोस थीटा, कोस थीटा से गुणा होगा तो क्या आएगा, कोस थीटा से गुणा होगा तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, कोस थीटा से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस, अब ये इससे, तो साइन थीटा से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बटा कोस थीटा से गुणा हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का माइनस, अब ये दोनों आपस में मतलब इन दोनों को पास पास लिख देंगे, तो ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा। अब आगे क्या करें, अब अपनी आरएचएस को देखो, यहां तक तो हम पहुंच गए सभी सवालों में, अब थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा लॉजिक, कैसे देखो अपनी आरएचएस को देखो, आरएचएस में क्या है, आपको नीचे साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, नीचे क्या चाहिए साइन थीटा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, आरएचएस में हमें नीचे साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, तो नीचे साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, लेकिन ऊपर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब ऊपर सिर्फ साइन चाहिए लेकिन हमारे पास ऊपर कोस भी आ रहा है, तो हमें इस कोस को हटाना पड़ेगा। गौर से देखिए, नीचे तो साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, तो नीचे साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, लेकिन ऊपर हमें सिर्फ साइन चाहिए, ऊपर हमें सिर्फ क्या चाहिए साइन चाहिए, लेकिन हमारे पास ऊपर कोस भी आ रहा है, तो इस कोस को हटाना पड़ेगा। कोस को कैसे हटाएंगे, कोस का सूत्र लगा दो, कोस को कैसे हटाना है, कोस का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस का फॉर्मूला ये रहा, ये वाला रहा कोस का फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस का फॉर्मूला आता ना ये वाला फॉर्मूला, ये यहां पर लिखा हुआ है, ये वाला कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन कोस चाहिए, साइन कोस आ रहा है, ऊपर सिर्फ साइन चाहिए, ऊपर साइन तो आ रहा है लेकिन साइन के साथ में कोस भी आ रहा है, तो इस कोस को हटाना पड़ेगा। तो कोस को हटाने के लिए कोस का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का माइनस, ये साइन स्क्वायर पहले से था, कोस की जगह क्या लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, ये साइन स्क्वायर पहले से था, और नीचे आ गया साइन थीटा कोस थीटा, तो ये एक का एक माइनस का माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस के, तो कितना आ जाएगा माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के होते हैं, तब क्या होता है जुड़ जाते हैं और आगे फिर से माइनस आ जाएगा, जब भी दोनों माइनस के हो ना, जैसे माइनस दो माइनस तीन, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस दो और माइनस तीन कितना होगा माइनस पांच, ठीक है, इसी प्रकार ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा एक ये रहा और एक साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, तो कितने हो गए दो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस के है, तो यहां पर भी माइनस आ गया और नीचे क्या आ गया साइन थीटा कोस थीटा, यही हमें लाना था, तो ये आरएचएस आ गई, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप इसे। अब सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं अपन। सवाल नंबर 12 में क्या, सवाल नंबर 12 है, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये एलएचएस लेनी, सबसे पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस में क्या है, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, एलएचएस ले ली।
अब आपके दिमाग में वो फॉर्मूला आ रहा होगा तो नोट लगा के मैं बता देता हूँ आपको। हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। याद रखना यदि सवाल में कोस पहले आ जाए, मान लो फॉर्मूला ऐसे आ गया कि साइन की जगह तो कोस आ गया, कोस की जगह साइन आ गया, तो कुछ नहीं करना है, साइन की जगह तो कोस लिख देना है और कोस की जगह साइन, यहां पर भी साइन की जगह कोस और कोस की जगह साइन, साइन की जगह कोस आ जाए और कोस की जगह साइन, तो कुछ नहीं करना है। ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने। अब ये फॉर्मूला हम यहां पर नहीं लगा पाएंगे, क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहां पर तो प्लस है और यहां पर माइनस है, तो ये फॉर्मूले अपन यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने नोट लगा के बताया। ये दोनों फॉर्मूले आप अपनी कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिख लेना ताकि सबसे पहले आपको दिख जाए एग्जाम के वक्त, ठीक है। अब ये देखो LHS ले ली, साइन कोस में बदलने की जरूरत है नहीं क्योंकि पहले से ही साइन कोस के अंदर है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, पहले ये पहला तरीका समझो, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये तरीका मेरे किसी स्टूडेंट ने किया था, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने ये भी दिमाग में रख रखा है, ठीक है, ये अच्छा है। सेकंड वाले तरीके से पहले वाला तरीका है ना, ये वाला भी जो करवा रहा हूँ ये ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो ये पहले वाला तरीका देखो, इसमें क्या है कि चार है, घात चार आ जाए, छह आ जाए, आठ आ जाए, घात कभी भी चार आ जाए, छह आ जाए, आठ आ जाए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, दो दो में तोड़ देना है, दो दो में कैसे, चार है तो चार को अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। याद रखनी है आपको ये बात कि ये यहां पर डॉट गुणा के निशान को प्रदर्शित कर रहा है, ये मैंने पहले भी बताया है कि मैथ्स में डॉट किसको व्यक्त करता है, गुणा के निशान को प्रदर्शित करता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो कोस की घात चार थीटा को अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि आधार समान हो तो घातों को अलग अलग लिखा जा सकता है, जैसे इसने ये लिख रखा है दो की घात चार, तो अपन इसे ये लिख सकते हैं दो की घात दो गुणा दो की घात दो, गुणा का निशान लगाओ तो गुणा का वरना डॉट लगा दो। इसने ये लिख रखा है पांच की घात चार, तो आप लिख सकते हो पांच की घात दो डॉट पांच की घात दो, क्योंकि दो 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 और दो मिलकर फिर से क्या आ जाएगी, चार हो जाएगी, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। यही काम हमने ये किया, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो आधार समान हो तो घातें वापस खुल भी सकती है ना। तो चार है तो चार को दो और दो लिख सकता हूं, यहां पर भी साइन चार है तो इसको भी दो और दो लिख सकता हूं, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं है तो मैंने ये तरीका लगा दिया। कोस की घात चार थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोस की घात चार थीटा को मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस साइन की घात चार थीटा को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, पहले वाले को छोड़ना है और दूसरे वाले पे फॉर्मूला लगाना है, पहले वाले को छोड़ना है और दूसरे वाले पर फॉर्मूला लगाना है। कैसे, देखो इस पहले वाले को छोड़ दो, ये जो पहले लिखा हुआ है ना इसको छोड़ दो, इस कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ दो और इस आगे वाले कोस स्क्वायर थीटा पर फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, ये 11th, 10th, 11th, 12th और आगे भी काम आएंगे बीएससी के अंदर भी अगर आप साइंस लोगे तो। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले कोस को छोड़ देंगे और दूसरे कोस पर फॉर्मूला लगा देंगे, तो इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस। अब जो काम हमने इसमें किया वही इसमें करेंगे, पहले कोस को छोड़ दिया और दूसरे कोस की जगह फॉर्मूला लगा दिया। पहले साइन को छोड़ देंगे, पहले साइन को छोड़ देंगे और दूसरे साइन की जगह फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला कौन सा है, ये नीचे वाला, ये रहा नीचे वाला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पहले वाले साइन को छोड़ दिया और दूसरे वाले साइन पर फॉर्मूला लगा देंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब गुणा करूंगे, ये इसके साथ भी गुणा होगा और ये इसके साथ भी गुणा होगा, क्योंकि ये कोस स्क्वायर दोनों के बाहर है ना, इस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये इसके एक के साथ भी गुणा होगा, इस साइन के साथ भी गुणा होगा। तो कोस स्क्वायर एक के साथ गुणा होगा, तो कोई भी चीज एक के साथ गुणा होती है तो फिर से वही आ जाती है, जैसे पांच को एक से गुणा करोगे तो फिर से पांच आएगा, दस को एक से गुणा करोगे तो फिर से दस आएगा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा जब एक के साथ गुणा होगा तो फिर से कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा एक के साथ गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब ये कोस स्क्वायर थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुणा होगा तो आपको पता है ये दोनों पास पास लिख देंगे, गुणा का मतलब यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि इसको और इसको पास पास लिख दो। कोस स्क्वायर थीटा को एक से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस का माइनस, कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, ये पूरा इन दोनों के साथ गुणा हो गया। अब इसको साफ कर दें, अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा इस एक के साथ भी गुणा होगा और ये साइन स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा के साथ भी गुणा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इस एक के साथ भी गुणा होगा, माइनस का माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा के साथ भी गुणा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक से गुणा होने पर फिर से वही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करने पर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को कोस से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, ये दोनों पास पास में लिख दिए जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा एक के साथ गुणा हो गया, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा हो गया। अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को पास में लिख दो इसके, क्योंकि हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, एक हो जाएगा। इसको और इसको मैंने पास में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक। ये देखो ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है और ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का है, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक ये रहा और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक ये रहा, तो एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए, दो हो गए, तो आ गया माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये रहा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक ये रहा कोस स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ गए और आगे फिर से क्या आ गया, माइनस, और ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों को पास पास में लिख दिया, इन दोनों को पास पास में लिख दिया, और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, एक और एक दो एक जैसे थे तो मैंने आगे दो लगा दिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये नहीं, मैंने बार बार बता रहा हूं इसको याद रखना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे, एक माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही आपकी आरएचएस है, प्रूफ हो गया सवाल, ठीक है। दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो याद, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए 2020 के लिए भी, ठीक है।